तो राधे राधे मित्रों, अभी हम जसवंत प्रदर्शन मेला ग्राउंड के जस्ट बाहर आज का हम अपडेट देने वाले हैं आपको कि आज भरतपुर जसवंत प्रदर्शन मेले में भाई साहब बहुत नुकसान हुआ है। अभी अंदर चलते हैं, आपको मेले का दिखाते हैं नज़ारा पूरा। तो ऐसे कीचड़ है दोस्तों आज भरतपुर के मेले में, इतने भयंकर कीचड़ हो गई है। भरतपुर का मेला हुआ कीचड़ कीचड़ भाई, तो पहली बार देखो ना। दशहरा मेला में कचौड़ी भी मिलती है, कचौड़ी भैया गर्म है, ताज़ा है, कल की है कचौड़ी, ताज़ा है, ताज़ा कचौड़ी क्यों? अच्छा तो भैया भड़क गए भैया। और यहाँ बन है गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, कितने रुपए के भैया? ले 10 रुपए की एक पन्नी मिल रही है पॉपकॉर्न की यहाँ पे। और जो कि इंजन चल रहा है सामने, आवाज़ आ रही हो तो जैसे रोशनी देखने को मिल रही है ना, ये इंजन की बदौलत मिल रही है। इंजन चल रहा है कंटिन्यूस यहाँ पे, लाइट वगैरह तो है नहीं, इसलिए इंजन की व्यवस्था हो रखी है, तो लाइट की व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे सूखा है बिल्कुल, और इसके बाहर आओगे ना तो फिर गीला चालू हो गया। तो भैया अपडेट ये है, 2 दिन मेला ख़राब हो चुका है, 2 दिन का, आज का और कल का पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कल तक कंडीशन नॉर्मल होंगे। अगर बरसात नहीं आती तो, अगर बरसात आ गई ना तो फिर दोबारे मेला आप समाप्ति मानो, क्योंकि कंडीशन नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है भाई साहब। पानी निकलता है, फिर मिट्टी डलती है, फिर झूले चालू होंगे, झूले खसेंगे दोबारा से, तो क्योंकि जो बोगी हट गई ना इसलिए टाइम तो लगता ही है। तो धीरे धीरे कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद 2 दिन बाद मेरा चालू हो जाएगा, इसलिए आप जब आओ ना तो 2 दिन बाद आएँ। जलेबा बनना है गर्मा गर्म, जलेबी क्या भाव है जलेबा? 100 रुपये किलो। सौ थोड़ी चकाचौंध हुई है मेले में, खाने पीने की दुकानें खुल रही हैं, फजले वालों की दुकानें खुल रही हैं, चाट वगैरह की दुकान खुल रही हैं, बस ये है अभी का कुछ नज़ारा। ज़्यादा मेले से खुलने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज अभी कंडीशन नॉर्मल होने में टाइम लग जाएगा यहाँ। ये है कुछ जानकारी, जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सेक्शन है खजलों की दुकान वाला, यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग हो रही है। तो भैया मेला है आज, पानी पानी, भयंकर बरसात हुई है भरतपुर के जसवंत प्रदर्शन मेले में, आज भयंकर आंधी और भयंकर तूफान आयो। और भाई साहब खजलों वाला की सेल हो रही दवा के, खजला तो बिक रहे हैं अच्छे खासे, क्यों गुरु खजला तो बिक रहे हैं अच्छे खासे बिक रहे हैं। स्थिति हो रही है, पानी भर चुका है मेले में, कीचड़ हो रही है, कीचड़ काफ़ी सारी है, कीचड़ बहुत है रही है मेले में आज। कब सही हो जाएगी ये? पानी निकल रहा है, मट्टी पट्टी डालेगी क्या यहाँ पे? मट्टी पट्टी पता नहीं भैया जी, वही पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। ठीक है भैया, एक बार अंदर से दिखा देते तुम्हारे कहा नज़ारे। तो भाई साहब जो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे तिरपाल क्यों लगाए जाते हैं? तिरपाल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो बरसात आती है उनसे बचाव हो जाए। तो देखिए तिरपालों ने पानी अंदर बचा लिया, यहाँ पे बिल्कुल सूखा है खजले वालों की दुकान के अंदर, नहीं यहाँ पे भी स्थिति ख़राब हो जाती है भाई साहब, कीचड़ कीचड़ हो जाती है। बादाम शेक स्पेशल भाई, कितने पैसा को 250 ग्राम के ओले भी बढ़ से आज 250 ग्राम के। तो इंद्र देवता बढ़िया फायदा हो गया भरतपुर वालों पे आज, है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई। पूरा मेला पिट गया पर भाइयों की दुकान की सेल चल रही है बढ़िया दवा के, क्यों भाई? भैया खुश हैं हमारे, जय हमारे चेहरे पे स्माइल आ रही है भैया के, सही है भाई सही है, भगवान ईश्वर किसी का है भाई। तो बल्ला बनना भैया, एंजॉय करिए बल्ले को बनते हुए और खाइए, एंजॉय करिए, आइए भरतपुर का मेला देखने, पर 2 दिन बाद आना, अभी कंडीशन नॉर्मल नहीं है यहाँ पे। 20 रुपये का बल्ला चाट भरतपुर के जसवंत प्रदर्शन मेले में बनवा रहे हैं अभी बहुत। अरे मक्खन तरबूज चाचा ने देखो फोन कहाँ लगा रखो, क्या बात है। तो भाई साहब मेले में भीड़ तो आ जा रही है अच्छी खासी है, बरसात भी हुई है, लोग निकल गए घरों से बाहर, ठंडक के मज़े ले रहे हैं, मौसम ठंडा हो चुका है, और ठंड के मौसम में भरतपुर जसवंत प्रदर्शन मेले के आनंद लेते हुए चारों तरफ भीड़ भीड़ हो रही है भाई साहब, चारों तरफ भयंकर भीड़ है रही है भाई, देखिए नज़ारे। और प्रशासन तैनात हो चुका है भाई साहब मेले में, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है आज, और देखिए क्या नज़ारे। बगल में है कमल सर्कस, इसमें चारों तरफ पानी पानी भर रहा है, इंजन चल रहे हैं, पानी निकाला जा रहा है, 2-3 दिन में मेले की कंडीशन नॉर्मल होंगे, उसके बाद मेला चलेगा दोबारा से, ये अपडेट है कुछ। मौत के कुएं के अंदर भी काफ़ी सारा पानी भर चुका है, इसलिए प्रशासन ने देखते हुए मौत के कुएं का भी रुकवा दिया है यहाँ पे, तो जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक मौत का कुआ और मेला दोबारा चालू नहीं होगा। तो आइयो मित्रों, आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, राधे राधे, जय श्री राधे।